वेल हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल रजत भान सिंह तोमर पे। तो दोस्तों, आज हम एक नए डिटेक्टर के बारे में बात करेंगे जो कि मेरे एक सब्सक्राइबर ने मेरे से बार बार बोला रिक्वेस्ट करके कि सर जो मैं मेटल डिटेक्टर बता रहा हूँ उस पर बना दो। और वो कम से कम एक महीने से रेगुलर कमेंट कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि सर बना दो, और मैं एक महीने से रेगुलर उनको यही बोलता आ रहा हूँ कि प्लीज़ वेट। और ऐसा मैं कई लोगों से बोलता हूँ, कई सारे सब्सक्राइबरों से बोलता हूँ मेरे के प्लीज़ वेट, क्योंकि वीडियो एक दिन में मैं बना नहीं पाऊँगा सारी की सारी। भाई सबका नंबर एक एक करके आ रहा है, सारे वीडियो का जो कमेंट आते हैं मैं सबके जवाब देता हूँ और सभी लोगों के लिए वीडियो ले लेके आ रहा हूँ। तो भाई नंबर बाई नंबर सबका नंबर आएगा, बस धैर्य रखें। और जिस सब्सक्राइबर ने मेरे से बोला है उनका आज जो वीडियो आने वाला है, उनने बोला है कि भाई सर माइंड लैब सफारी के ऊपर आप एक वीडियो का रिव्यू करें। तो दोस्त ये आपके लिए है माइंड लैब सफारी का फुल्ली रिव्यू। तो भाई यहाँ पे हम बात कर रहे हैं माइंड लैब कंपनी की। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि भाई माइंड लैब सफारी जो उनका डिटेक्टर है, उस तरफ जाने से पहले कोई अगर नया इस चैनल पे आया है और मेटल डिटेक्टिंग से रिलेटेड टॉपिक देख रहा है तो मैं एक ही बात बोलूंगा, भाई चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि डिटेक्टिंग से रिलेटेड सारी चीजें और सारी जानकारी आपको इसी चैनल पे मिलेंगी, और भारत के अंदर मेटल डिटेक्टिंग से रिलेटेड एक एक बात आपको इसी चैनल के अंदर मिलेंगी, तो जल्दी से सब्सक्राइब करके रख लो। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं माइंड लैब कंपनी की। अब माइंड लैब कंपनी है कहाँ की? भाई माइंड लैब कंपनी है ऑस्ट्रेलिया की। मेरे को मालूम है कई सब्सक्राइबर जो रेगुलर देखते हैं उनको पता होगा कि ऑस्ट्रेलियन कंपनी है, और मैंने ये कई बार बताया, लेकिन कुछ लोग नए आए हैं उनके लिए मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि माइंड लैब कंपनी भाई ऑस्ट्रेलिया की है और काफ़ी अच्छी और जानी मानी कंपनी है डिटेक्टर बनाने के मामले में। तो अब हम सफारी की बात करते हैं। अब जो इनका सफारी, जो माइंड लैब ने सफारी डिटेक्टर निकाला है, भाई इसको देखते से ही सबसे पहली नज़र में आप इस डिटेक्टर को देखोगे तो आपको ये काफ़ी आकर्षित लगेगा और काफ़ी अच्छा डिटेक्टर लगेगा। आप इसके अंदर सबसे पहली चीज़ जो नोटिस करोगे वो होगी इसकी बिल्ड क्वालिटी। माइंड लैब कंपनी अपनी डिटेक्टरों की बिल्ड क्वालिटी को लेके काफ़ी अच्छा क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन करती है, और उनके डिटेक्टरों की जो बिल्ड क्वालिटी होती है, जो बनावट होती है, वो बहुत ही अच्छी होती है और बहुत ही मजबूत होती है दूसरे डिटेक्टरों के मुकाबले में। तो यहाँ पे सफारी की भी बनावट काफ़ी अच्छी है और काफ़ी मजबूत है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो आप नोटिस करोगे सफारी के अंदर कि इसमें कोयल या केबल लपेटने का झंझट नहीं होता। अगर हम कोयल लगा रहे हैं और उसकी जो केबल होती है उसको हम बार बार रोल करके लगाते हैं तो वो झंझट सफारी के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसकी जो कोयल की केबल होती है वो पाइप के थ्रू अंदर ही डायरेक्ट लग जाती है कोर्ड के अंदर। भाई तो उससे फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है कि हमारी जो कोयल हम राउंड राउंड घुमा के और लपेटते थे डिटेक्टर पे, वो हमारा बचत हो जाएगी, असेंबली इसकी आसान हो जाएगी। और दूसरी चीज़ ये है कि जो कोयल की कॉर्ड है वो कभी शॉर्ट नहीं होगी, मतलब फूकेगी नहीं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है इस डिटेक्टर के अंदर। तो ये इम्प्रूवमेंट करा था माइंड लैब ने सफारी। अब इसके अंदर जो उनने टेक्नोलॉजी डाली है, अब हम उसको समझते हैं। आपको पता होगा, मैंने आपको आज तक बताएं कि दो तरह के मेटल डिटेक्टर आते हैं। किस किस तरह के? जो पल्स इंडक्शन होते हैं, जो पल्स छोड़ते हैं, जो पल्स के थ्रू जो सिग्नल मंगाते हैं, और VLF मतलब वेरी लो फ्रिक्वेंसी डिटेक्टर, जो सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं और रिसीव करते हैं। अब भाई यहाँ पे दोनों चीज़ों के बारे में समझने के लिए VLF और पल्स इंडक्शन दोनों पे मैंने डिटेलिंग के साथ वीडियो पहले से चैनल पे डाली है, पहले उनको देख लो तो आपको आराम से समझ में आने लगेगा। अब यहाँ पे माइंड लैब ने करा क्या था? माइंड लैब ने सफारी के अंदर VLF टेक्नोलॉजी को और अच्छे से इम्प्रूव करा। किस तरह से? आपको पता है VLF टेक्नोलॉजी के अंदर भाई एक ही फ्रिक्वेंसी पे डिटेक्टर रन करता था। अगर हम एक फ्रिक्वेंसी पकड़े हैं तो उसी फ्रिक्वेंसी पे डिटेक्टर चलता था, लेकिन माइंड लैब ने कुछ हटके करने का सोचा और उनने बनाया खुद का FBS मतलब फ्री बैंड स्पेक्ट्रम, मतलब उनने एक नई टेक्नोलॉजी तैयार करी जिसको उनने नाम दिया FBS टेक्नोलॉजी। अब ये FBS टेक्नोलॉजी है क्या? अब मैं ये आपको समझाता हूँ इसी वीडियो के अंदर। भाई उनने 1.5 किलोहर्ट्ज़ से लगा के 100 किलोहर्ट्ज़ तक की जो VLF होती है, मतलब 1.5 किलोहर्ट्ज़ से लगा के 100 किलोहर्ट्ज़ तक की जो वेरी लो फ्रिक्वेंसी होती है वो ज़मीन के अंदर भेजना एक ही डिटेक्टर से पॉसिबल कर दिया। उस टेक्नोलॉजी को उनने नाम दे दिया FBS मतलब फ्री बैंड स्पेक्ट्रम, मतलब 1.5 किलोहर्ट्ज से लगा के 100 किलोहर्ट्ज तक ये फ्रिक्वेंसी डिटेक्टर बार बार जमीन के अंदर पहुंचाता रहता है। अब इससे फायदा क्या है? इससे ये फायदा है कि आप कॉइन, ज्वेलरी, रेलेक्स, कोई भी चीज हो, यहाँ तक कि नगेट भी हो, नगेट लेकिन बड़े हो,
क्योंकि नगेट पे ये डिटेक्टर इतना ज्यादा वर्क नहीं कर पाता है। हालांकि ये सब कुछ ढूंढ सकता है, लेकिन ये कॉइन रेलेक्स ज्वेलरी और आर्टिफैक्ट्स के लिए काफी अच्छा डिटेक्टर है। तो भाई जो इनने ये डिटेक्टर के अंदर FBS लगाया, उससे इस डिटेक्टर के अंदर फायदा ये मिला कि ये काफी अच्छा वर्क करने लगा, किसी भी प्रकार की ज्वेलरी और कॉइन को तो ये छोड़ता ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात इस डिटेक्टर के अंदर है कि कचड़े भरी साइट में अगर इसको ले जाते हैं हम, जहाँ कचड़ा ज्यादा है वहां इसके अंदर एक आयन डेंसिटी सेटिंग दी हुई है, मतलब हाई ट्रेश डेंसिटी सेटिंग दी हुई है, जिसके कारण ये कचड़े में से भी साफ चीज को, मतलब नॉन फेरस आइटम को निकाल के आपको दे देगा, मतलब काफी अच्छे से पकड़ कर लेता है उस चीज की। तो चलिए अब हम बात करते हैं माइंड लैब सफारी की। तो भाई ये डिटेक्टर जो है हमारा वो FBS टेक्नोलॉजी पे तैयार डिटेक्टर है। अब ये बात तो आप लोगों को पता चली गई कि FBS टेक्नोलॉजी क्या है और किस तरह से ये काम करती है। ये डिटेक्टर जो है इसके अंदर आपको 11 इंची डबल डी कॉयल देखने को मिलेगी, जो कॉयल वाटर प्रूफ है। अब वाटर प्रूफ है तो भाई पानी के अंदर ले जाओ निश्चिंत होके डिटेक्टर को और आराम से चलाओ, लेकिन यूनिट वाटर प्रूफ नहीं है, कॉयल अकेले वाटर प्रूफ है, तो कॉयल को अकेले लेके जाना, डिटेक्टर हाथ में ही रखना, पानी मत लगने देना नहीं तो शॉर्ट हो जाएगा। तो भाई कॉयल वाटर प्रूफ है, डबल डी कॉयल है, 11 इंच की आती है, काफी अच्छी कॉयल आ रही है, बहुत बढ़िया बात है। अच्छा दूसरी खासियत इस डिटेक्टर के अंदर आपको देखने को मिलेगी कि भाई इसका जो पावर ऑन और ऑफ स्विच है उसी के अंदर आपको कंपनी का रीसेट देखने को मिल जाएगा, मतलब उस स्विच को आप ऑन करने के काम भी ले सकते हो और ऑफ करने के। और दूसरी चीज, अगर आप खुद का मोड बनाते या कुछ भी सेटिंग सेव करते हो तो उसको आपको कंपनी पर रीसेट करना है तो पावर ऑफ बटन या ऑन बटन को पकड़े रहो और रीसेट कर लो आराम से। इसके अंदर आपको चार तरह के मोड देखने को मिल जाएंगे, कॉइन एंड ज्वेलरी या कॉइन मोड, आर्टिफैक्ट मोड और आपका देखिए कॉइन मोड, कॉइन एंड ज्वेलरी मोड, रेलेक मोड और ऑल मेटल मोड। तो ये चारों तरह के कंपनी ने प्रीसेट मोड बना के इस डिटेक्टर के अंदर डाले हुए हैं। भाई अगर आपको कॉइन ढूंढना है तो कॉइन मोड लगा लीजिए, अगर आपको कॉइन एंड ज्वेलरी ढूंढना है तो कॉइन एंड ज्वेलरी मोड लगाइए और ढूंढना शुरू, और अगर आपको रेलेक ढूंढना है कोई हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट, मतलब तलवार वगैरह या कुछ भी रेलेक्स वगैरह, तो भाई गोली वगैरह या कुछ भी, तो रेलेक मोड लगाइए। ऑल मेटल है तो भाई ऑल मेटल पे भी चला सकते हो। अच्छा इसके अंदर एक मोड और आप खुद बना सकते हो, मतलब ये चार कंपनी से प्रीसेट आते हैं और पांचवा आप अपना कस्टम मोड तैयार कर सकते हो, जिसमें आप अपनी सेटिंग बना सकते हो खुद की कि हमको ये चाहिए और ये हटाना है या ये वाला डिस्क्रिमिनेट करना है हमको और इस तरह का आइटम ढूंढना है, तो अपना पैटर्न खुद बना के और सेट करके चला सकते हो डिटेक्टर को। तो कुल मिला के चार मोड कंपनी से प्रीसेट आते हैं और एक कस्टम मोड आप अपने लिए बना सकते हो इस डिटेक्टर के अंदर। अच्छा इसके अंदर आपको नॉइस कैंसिलेशन फीचर देखने को मिल जाएगा, जो काफी अच्छा फीचर होता है। अब ये नॉइस कैंसिलेशन किस काम में आता है, सबसे पहले तो ये समझो, नॉइस कैंसिलेशन जब इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस होता है उस काम में आता है, यानी अगर हमारा मोबाइल है या लाइट की डोरियां जा रही है, इलेक्ट्रिसिटी की फील्ड बन रही है कहीं पे, या कोई भी मेटल का आइटम, इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो डिटेक्टर को इरेटिकली बिहेव करने को मजबूर कर दे, जो जब डिटेक्टर बिल्कुल खराब स्थिति में चले और बार बार हो ही कुछ भी साउंड करने से बंद ना हो, उस समय पे आप सबसे पहले जब डिटेक्टर को ऑन करें तो नॉइस कैंसिलेशन दबा लें। तो नॉइस कैंसिलेशन से क्या होगा, जब आप डिटेक्टर को हवा में पकड़ के नॉइस कैंसिलेशन दबा के रखेंगे तो वो स्कैन कर लेगा एरिया को, इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस पूरी तरह से माइन्यूट कर देगा, मतलब गायब कर देगा, तो आपका क्या होगा डिटेक्टर स्मूथ हो जाएगा, उसके बाद आप ग्राउंड बैलेंस करके आराम से डिटेक्टिंग कर सकते हो। तो भाई इसके अंदर ग्राउंड बैलेंस की बात आई गई है तो हम ग्राउंड बैलेंस भी बता देते हैं। इसके अंदर आपको ऑटोमेटिक ग्राउंड बैलेंस भी मिलेगा और मैन्युअली भी कर सकते हो, मतलब आप मशीन को खुद के हाथों द्वारा भी ग्राउंड बैलेंस कर सकते हो और ऑटोमेटिक कंपनी द्वारा भी करवा सकते हो। अच्छा इसके अंदर जो सबसे खास फीचर है वो मैं अब आपको बताता हूँ, इसके अंदर जो सेंसिटिविटी है वो ऑटोमेटिक दी गई है और मैन्युअली दी गई है, मतलब ये डिटेक्टर एक ऐसा डिटेक्टर है जिसके अंदर पहली बार सेंसिटिविटी ऑटोमेटिक सुनने को मिली है। ऑटोमेटिक से मतलब है आपको कुछ नहीं करना, आपको डिटेक्टर ऑन करना है, ग्राउंड बैलेंस करना है और चले चलो, मतलब सेंसिटिविटी वो खुद अपने आप एडजस्ट करता चला जाएगा कहाँ कितनी जरूरत है, कौन से ग्राउंड में कितनी है, बाकी आप मैन्युअली करना चाहो तो मैन्युअली भी कर सकते हो। अब ये खुद एडजस्ट करने से इसका क्या फायदा हो गया कि ये हर तरह के ग्राउंड, हर तरह की सोयल से मतलब हर तरह की जमीन में ये डिटेक्टर आपको कुछ ना कुछ अच्छा ढूंढ कर दे देगा। और क्यों दे देगा, क्योंकि भाई ये सोयल के अंदर किसी भी तरह की मिट्टी के अंदर ये फेल नहीं होगा। इससे अच्छी बात नहीं है यार दोस्तों कि भाई ये इसकी सेंसिटिविटी खुद एडजस्ट कर लेता है, किसी भी ग्राउंड में जाके आप सर्च कर सकते हो, हंटिंग कर सकते हो,
तो ये काफी अच्छी बात है। अच्छा, इसके अंदर आपको पिन पॉइंट मोड देखने को मिल जाएगा, पिन पॉइंट का बटन दिया हुआ है, आप दबा के पिन पॉइंट आपका टारगेट कहाँ पे है वो पता कर सकते हो। और आपको एक और फीचर इसका जो मैं बता दूं, इसके अंदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट फीचर भी है। मतलब अगर आप किसी आइटम का नोच लगाना चाहते हो कि यार हमको ये वाला हटाना है आइटम, ये वाला हमें ढूंढना ही नहीं, जैसे आपने एक बार ढूंढा आपके सामने बोतल का कैप आ गया या बोतल का ढक्कन आ गया, तो उसको आप या तो एक्सेप्ट कर लो या रिजेक्ट कर दो। अगर आपने रिजेक्ट कर दिया तो अगली बार वो बोतल का ढक्कन ही खत्म, उस मतलब बोतल का ढक्कन खत्म से मतलब यहाँ पे ये है कि उसकी रीडिंग वाला ऑब्जेक्ट खत्म। जो उसकी रीडिंग पे ऑब्जेक्ट आएगा, भले वो ज्वेलरी का ही ऑब्जेक्ट उस रीडिंग पे आ रहा हो, तो वो खत्म हो जाएगा, नहीं बताएगा डिटेक्टर। ये चीज ध्यान रखें आप लोग जो बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलिए, अब हमने इस डिटेक्टर के बारे में बात कर ली, और इस डिटेक्टर की जो हम वजन की बात करें तो ये काफी लाइट वेट है। मतलब कोई इतना भारी डिटेक्टर नहीं है कि भाई घंटों चलाने में हमारे हाथ दुखें। लगभग इसका वजन 2.5 से 3 किलो के लगभग है, तो कोई ज्यादा भारी नहीं है भाई, 2-2.5 किलो का वजन कोई ज्यादा नहीं होता, आप घंटों तक स्विंग कर सकते हैं। चलिए, अब हम इसकी स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं फटाफट। इसके अंदर एप्लीकेशन आपको देखने मिल जाएंगी, 4 तरह के मोड, कॉइन, रेलेक, ज्वेलरी, बी। अच्छा, टेक्नोलॉजी ये FBS है, फ्रीक्वेंसी ये 150 किलो हर्ट्ज से 100 किलो हर्ट्ज तक निकालता है। इसके साथ में आपको 11 इंची DD कोयल देखने को मिलेगी। इसके अंदर आपको इंटरनल स्पीकर और 1x4 का हेडफोन जैक देखने को मिल जाएगा, जिसमें आप हेडफोन कनेक्ट कर सकते हो। अच्छा, आप प्रोपैक लेना चाहो तो इसकी ऑप्शनल एसेसरीज अलग से आती है, मतलब इसमें एक कोयल और बढ़ जाएगी 13 इंच की प्रोपैक के साथ, अगर आप लेना चाहो तो। इसके अंदर आपको बैकलाइट देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। इसके अंदर मेमोरी दी गई है, जिससे आप अपना कस्टम मोड जब बनाओगे तो वो अपने आप उस मेमोरी के अंदर सेव हो जाएगा। इसके इस डिटेक्टर के अंदर आपको डेप्थ इंडिकेटर भी देखने को मिल जाएगा, बैटरी इंडिकेटर भी देखने को मिल जाएगा, मतलब आप डेप्थ भी देख सकते हो और बैटरी भी देख सकते हो। अच्छा, इसके अंदर आपको डिस्क्रिमिनेशन फीचर भी देखने को मिल जाएगा, जो कि सबसे अच्छी बात है। डिस्क्रिमिनेशन इसका 51 लेवल तक हाई है, मतलब 51 नंबर तक के आइटम आप डिस्क्रिमिनेट कर सकते हो। मतलब कुछ ज्वेलरी भी हटा सकते हो आप, या फॉयल भी हटा सकते हो अगर आपको दिक्कत आ रही है, पूल टैप वगैरह। लेकिन मैं ज्यादातर आपसे ये कहूंगा कि आप डिस्क्रिमिनेशन ना लगा के ऑल मेटल पे चलाएं, या बल्कि कंपनी प्रीसेट जो पहले से कॉइन एंड ज्वेलरी मोड आए उन पे डिटेक्टर को ज्यादा चलाएं जब आप हंट करने जाएं, क्योंकि आप ढूंढ ही वो रहे होगे। तो यहाँ पे मैं ये चीज आपको क्लियर बता दूं। अच्छा, इसके अंदर ऑडियो टोन के अंदर आपको कंडक्टिवनेस और फेरस ऑडियो का साउंड अलग देखने को मिल जाएगा, मतलब क्लियर साउंड, एक नंबर का साउंड जो आप कानों में मधुर धुन की तरह सुन सकते हैं। अच्छा, जो इसके जो आपको ट्रैश डेंसिटी का एक ऑप्शन मिलेगा, जो मैं आपको समझाना चाहता था कि आप लो एंड हाई, अगर आप हाई ट्रैश पे हैं तो भाई हाई लगा लें ट्रैश डेंसिटी, और लो पे हैं तो लो लगा के और डिटेक्टर को रन कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर आपको ट्रैश होल्ड भी देखने को मिल जाएगा, जो कि 0 से लेकर 40 तक है। तो ट्रैश होल्ड होता क्या है, डिस्क्रिमिनेशन क्या है, सेंसिटिविटी क्या है, ये सब चीज़ें अगर आपको जानना है तो वीडियो पहले से बने पड़े हैं भाई चैनल के अंदर, आप लोग देख लो। और कुछ समझ में ना आए तो मेरे को कमेंट कर दो, मैं आपको बता दूंगा। ये डिटेक्टर जो है हमारा 8AA, मतलब 8AA अल्कलाइन बैटरीज पे रन होगा, तो ये भी भाई 8 बैटरियां तो लगेंगी, बैटरी तो खाएगा। अच्छा, अब इसकी बात कर लेते हैं हम प्राइस की। ये हमारे इंडिया के अंदर लगभग 1,10,000 या 1,20,000, मतलब 1,00,000 से लगा के 1,20,000 रुपए तक की कीमत में ये डिटेक्टर आपको इंडिया के अंदर देखने को मिल जाएगा, मेरे अंदाजे से। और बाकी फाइनल प्राइस मेरे को भी नहीं पता है दोस्तों, लेकिन जहाँ तक है मैं कस्टम ड्यूटी और शिपिंग चार्जेस लगाने के बाद ही सोच के बता रहा हूँ, अप्रोक्स 1,20,000, 1 से 1.20 के बीच में ही कहीं होगा, या हो सकता है 95 से लगा के 1.20 के बीच में भी हो जाए। तो भाई माइनलैब कंपनी का है, और कंपनी इस पे 3 साल की वारंटी दे रही है। तो दोस्तों, 3 साल की वारंटी माइनलैब कंपनी का, ये था सफारी का रिव्यू। अब आपको कैसा लगा इस डिटेक्टर के बारे में, या इसको मीनू को लेके समझने के बारे में, या इससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक समझने के बारे में, आप मुझे कमेंट कर सकते हो भाई, मैं आपको अगली वीडियो में उस चीज़ के बारे में बता दूंगा। और सबसे पहली चीज़ आप लोगों को मैं ये बोलना चाहता हूँ, अगर आप डिटेक्टर खरीदना चाहते हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, कॉन्टेक्ट करना विश्को मेटल डिटेक्टर एंड इंजीनियरिंग इक्विपमेंट पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ भाई। वीडियो के पहले भी नंबर आता है और वीडियो के एंड में भी नंबर आता है, वहाँ पे कॉन्टेक्ट करना है आपको कमलेश भैया से, तो बोलिए उनसे, पूछिए डिटेक्टर की जानकारी लीजिए अगर आप खरीदना चाहते हैं। जोधपुर के अंदर सेमिनार है जनवरी के महीने में, डेट आपको पता लग जाएगी, उस दिन आके आप देख सकते हैं सेमिनार के अंदर।
और अगली चीज, आपको पता है कि चैनल के अंदर मेटल डिटेक्टर का गिव अवे चल रहा है। अगर आपको नहीं पता है तो अब आप जान लीजिए कि भाई जैसे ही चैनल के अंदर 10,000 सब्सक्राइबर होंगे वैसे ही किसी एक लकी वन को मैं अपनी तरफ से एक मेटल डिटेक्टर फ्री में देने वाला हूं। तो आपको करना क्या है, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो। जितने ज्यादा सब्सक्राइबर होंगे, जितने जल्दी 10,000 सब्सक्राइबर होंगे उतने जल्दी किसी एक को मेटल डिटेक्टर मिलेगा। तो भाई ये वीडियो कैसी लगी, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और मेरे को लिखते रहो। फिर मिलेंगे गाइस, गुड बाय।